हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन मावे की अपेक्षा बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, तो जब भी आपको जल्दी हो और आपको फटाफट कुछ मीठा बनाना हो तो आप ये गुलाब जामुन ज़रूर बना के देखें। मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए मिल्क पाउडर लेंगे आधा कप, आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप दूध का लेंगे, लेकिन दूध की क्वांटिटी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं डो बनाने के अकॉर्डिंग। साथ ही हम मैदा लेंगे 2 बड़े चम्मच, चीनी ले लेंगे 1 कप, और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी का लेंगे। बेकिंग सोडा लेंगे चुटकी भर, तो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, चुटकी भर ही बेकिंग सोडा काम में लेंगे। इलायची का पाउडर लेंगे, साथ में मैं कुछ केसर के धागे ले रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शन है, आप बिना इसके भी बना सकते हैं गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन को डीप फ्राई करने के लिए तेल ले लेंगे, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे चीनी। हमने 1 कप चीनी ली है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 1.5 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। यानी आप यदि 1 कटोरी चीनी की ले रहे हैं तो उसमें 1.5 कटोरी पानी की डालें। अब केसर के धागे मिलाकर इससे मिक्स कर लेंगे, उबलने देते हैं इसे। चाशनी को 2-3 मिनट ही हमें उबालना है, यानी कि आधी तार की चाशनी ही हमें तैयार करनी है, क्योंकि चाशनी जैसे जैसे ठंडी होती है ये और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे चेक कर लेते हैं, अंगुलियों के बीच में चाशनी काफ़ी अच्छे से चिपकने लगी है और इसमें लगभग आधा तार बनने लगा है, तो हम चाशनी को इतना ही पकाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी ना बनाएं। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे और चाशनी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। अब दूसरी तरफ हम एक बाउल लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं मिल्क पाउडर, साथ ही इसमें डाल लेंगे मैदा, चुटकी भर बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें स्टफिंग भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की। अब इसके अंदर घी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो को आप ध्यान से बनाएं, क्योंकि यदि डो परफेक्ट बनेगा तभी गुलाब जामुन भी परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम इसमें 4 चम्मच दूध के डाल देंगे। अभी एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, हम देख लेते हैं कि इसमें दूध कितना कम पड़ रहा है, उस हिसाब से हम दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा करेंगे। तो यदि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है दूध की, तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर उसमें और ऐड कर दें। तो अभी ये देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी कम है दूध की, तो ज़रा सा मैं दूध और ऐड कर लूँगी इसके अंदर। बस इतना सा ही दूध हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे बिना हाथ लगाए आराम से डो बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे ऐसे चम्मच से मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ और चिकना हो जाएगा। तो आपको हाथ ही लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डो को बनाने में, लेकिन डो बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि डो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया आपने तो गुलाब जामुन है वो फटने लगेंगे। तो हाथों को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं और ये चम्मच पर लगा हुआ डो उतार देते हैं। अब ये देखिए कैसे बाउल में इस तरह घूम रहा है, यानी बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो अब इससे हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो छोटे छोटे पीस तोड़ लेते हैं, तो 7 पीस तोड़ लेती हूँ मैं इसके, तो बहुत ज़्यादा बड़ी शेप ना दें इनको, मतलब नींबू से छोटी साइज़ के गुलाब जामुन ही आपको बनाने हैं, क्योंकि तेल में जाते ही जब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएंगे। ये देखिए गुलाब जामुन कितने आसानी से बन रहे हैं, बहुत ही ईजीली बन रहे हैं ये, क्योंकि डो है वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। ये देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो अब इन्हें हम डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए तेल हल्का गरम हो चुका है, हमें एकदम हल्का गरम तेल ही इस्तेमाल करना है। तो पहले 1 गुलाब जामुन डालकर हम चेक कर लेंगे कि गुलाब जामुन फट तो नहीं रहा है। आप डायरेक्ट गुलाब जामुन को ना छुएँ, क्यों इसे ऐसे तेल से ही पलटते रहें, क्योंकि यदि ये नीचे जाके बैठ गया तो ये एक तरफ से ज़्यादा जल जाएगा। तो इसे इस तरह हिलाएंगे तो ये ऊपर आने लगेगा, और आप देख सकते हैं गुलाब जामुन फट भी नहीं रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा डीप फ्राई करते हैं, यदि नहीं फट रहा तो हम सारे गुलाब जामुन एक साथ ही डीप फ्राई कर लेंगे। तो अब ये सारे गुलाब जामुन डालते जाएंगे और धीरे धीरे इनको पलटते रहेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन तुरंत नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो यदि हम इन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसे पलटते रहेंगे तो ये नीचे चिपकेंगे नहीं और जलेंगे नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे हम तेल को उछालते रहेंगे इन पर, ताकि ये धीरे धीरे डीप फ्राई होकर ऊपर आते जाए। तो आपको डीप फ्राई करते समय गुलाब जामुन को बहुत ही ध्यान रखना है। बस एक बार जब ये ऊपर आ जाएंगे तो इन्हें डीप फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम गैस का फ्लेम एकदम लो ही करेंगे, क्योंकि लो रखेंगे गैस का फ्लेम तो धीरे धीरे गुलाब जामुन है वो फूलने लगेंगे, और जब ये धीरे धीरे फूलेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं।
तो इस बात का आप पूरा ख्याल रखिए, तो गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और यदि आप मावे से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो भी आप इसी प्रोसेस को अपनाएं, तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये अंदर से भी अच्छे से पक जाते हैं और ऊपर से भी इनका अच्छा कलर आता है। तो गुलाब जामुन ये देखिए हल्के हल्के पकने लगे हैं, अच्छा सा कलर आ गया है इन पर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। हम इन्हें थोड़ा सा और डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन की विशेषता है कि जब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं तेल में तो ये काफ़ी काले काले से दिखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें चाशनी में डीप कर देते हैं तो ये वापस लाइट कलर के हो जाते हैं। तो अब गुलाब जामुन अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ऐसे तेल को झाड़ते हैं एक्स्ट्रा, और अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें चाशनी में डिप करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर चाशनी ले ली है और गुलाब जामुन ले ली है। अब चाशनी में गुलाब जामुन को डिप करने के लिए दो तरीके हैं। यदि आप गर्म चाशनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो गुलाब जामुन आपने डिप फ्राई करे हैं उन्हें ठंडे इस्तेमाल करें, और यदि आप तुरंत ही डायरेक्ट चाशनी में गुलाब जामुन डाल रहे हैं तो चाशनी है वो हल्की सी गुनगुनी या ठंडी ही इस्तेमाल करें। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट डालेंगे तो गुलाब जामुन काफ़ी गर्म होते हैं और ये तुरंत ही जाते ही चाशनी में गल जाते हैं यदि चाशनी गर्म होगी। तो इस बात का आप पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हमने इन्हें थोड़ी देर निकाल लिया है, गुलाब जामुन हल्के ठंडे हो गए हैं, तो मैंने चाशनी को थोड़ा गर्म कर लिया है। तो अब गुलाब जामुन को इस चाशनी में डीप कर देंगे। और यदि आपको फटाफट ही गुलाब जामुन बनाने हैं, यानी तुरंत चाशनी सोख कर ले गुलाब जामुन, इसके लिए आप चाशनी को ज़्यादा गर्म कर लें थोड़ी, तो ये तुरंत ही चाशनी को सोख कर लेंगे। लेकिन ध्यान यही रखिए कि चाशनी में गुलाब जामुन गले नहीं। तो अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुलाब जामुन ने चाशनी अच्छे से सोख कर ली है, ये देखिए काफ़ी नरम हो गए हैं, काफ़ी स्पॉन्जी बने हैं। तो एक बाउल में निकालते हैं हम एक गुलाब जामुन। वाओ, बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। तो इसे काट कर देखते हैं कि अंदर से भी कैसे बने हैं। ये देखिए गुलाब जामुन अंदर से भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ये, आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं और पूरी चाशनी से भरे हुए हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुलाब जामुन बनाएं तो आप मिल्क पाउडर से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट गुलाब जामुन बना सकते हैं। साथ ही ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने सुझाव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।